नेता लोग आएंगे तो क्या लगता है इस बार किसकी लहर देखने को मिल रही है? किसकी क्या, जो विकास कर रहा है उसकी लहर। सभी चीज में महंगाई है, क्या चीज में महंगाई नहीं है? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर हर राज हो रहे बच्चे, कोई काम धंधा तो है नहीं है। अनाज भी ऐसा देता है, चावल इतने मोटे मोटे देते है, वो खवाते नहीं हो पड़े चावल। मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो, क्या मोदी को वोट दो। राहुल राजीव गांधी के जमाने में 2 रुपए किलो थी शक्कर, अभी 40 रुपए किलो शक्कर है। 20 हिस्सा महंगाई बढ़ा दिया, क्या मोदी को जो सबको सड़क पे ला दिया। दारू जुगाड़ खुलेआम कर दिया, बस दारू पियो नशा करो, कोई रोक नहीं। दारू जुगाड़ कोई रोक नहीं है, क्योंकि उनसे तो बड़े बड़ों का घर चलता है। हमारे अजमी के नाम पे कारट है, तिल्ला नाम उनका, उन्हीं का नाम काट दिया। बोला अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 8 महीने उन लोग ने अच्छा कराने के चक्कर में दोनों कानों से सुराग ला दी किसी को। अरे खून चपासने की जगह ना बटले भर भर के खून निकाल लिए इनके। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं किस तरीके से उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहेगा। क्या नाम है आपको? साबिर। किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ा? देखिए जैसे कि अभी चुनाव काफी नजदीक है, तो नेता लोग आएंगे तो क्या लगता है इस बार किसकी लहर देखने को मिल रही है? किसकी क्या, जो विकास करेगा उसकी लहर। जो विकास करेगा उसको वोट दो। हाँ, उसको ही देंगे, हम तो नहीं देंगे, नहीं तो किसी को भी। ऐसा है। हाँ। क्या क्या लगता है किस तरीके से तकलीफों का, आप क्योंकि लेडीज लोगों, महिलाओं, बाजारों पे कब्जा आप लोगों का होता रहेगा, तो आप लोगों को ये चीज पता है क्या महंगाई क्या सस्ता है? मेन महंगाई महिलाओं को झेलनी पड़ती है। सभी चीज में महंगाई है, क्या चीज में महंगाई नहीं है? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर हर राज हो रहे बच्चे, कोई काम धंधा तो है नहीं है। बच्चों के पास रोजगार नहीं है। देखिए देश लाइव के माध्यम से लोग कहते हैं रोजगार ज्यादा है, आवक बड़ी, इनकम बड़ी, डायरेक्ट महिला आरोप लगा रही है, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अनाज लेने जाओ तो लाइन में 10-10 कलाक खड़े रहो, जब जाके नंबर आता है वो भी अनाज भी ऐसा देता है, चावल इतने मोटे मोटे देते है, वो खवाते नहीं हो पड़े चावल। मतलब वो चावल आपको दिया जा रहा है कंट्रोल पैसे, राशन की दुकानों पे से, जो आप लोग खाते नहीं हो। जब जनता जो चीज खाती है वो चीज दिया क्यों जा रहा है? क्या क्या लगता है इसके ऊपर, जो चावल वगैरह मिल रहा है, क्या इसके ऊपर जो सरकार वगैरह को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। तो एक दिन देखो चावल के, एक दिन वो सरकार को कहना, एक दिन तुम ये चावल खा के देखो कहना, कहते वो इंसानों को खिलाते हो उनके ना। एक दिन सरकार खा के देखे, आपको पता चलेगा कि जनता कैसे खा रही है, कैसे खा रही है। वो गेहूँ ले जाओ राशन में बिछाने, राशन वाला कहता ये गेहूँ तो बोले घोड़ों को खिलाते, बोले जो तुम लोगों को दे रही है, उसके किसने कहीं पैसे ज्यादा लेता है। फिर उसके बाद भी अरे रोटी अच्छी बनती नहीं है, आटा फट फट जाता, रोटी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये तो घोड़ों को खिलाते हैं, जो इंसान को मिली है, इंसानों को मिल रही है। महिला का जो आरोप है उनको खुद कहता नहीं बोले, ये घोड़ों को खिलाते, ये गाँव बोले तो बोले तुम्हारे को राशन में दे रही है। मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो, क्या मोदी को वोट दो। राहुल राजीव गांधी के जमाने में 2 रुपए किलो थी शक्कर, अभी 40 रुपए किलो शक्कर है। 20 हिस्सा महंगाई बढ़ा दिया, क्या मोदी को वोट दो, सबको सड़क पे ला दिया। इतनी महंगाई है, 4-5 हजार को तो भाड़ा ही जाता है घर का, अब घर में काम धंधा कर रहा है, रिक्शा चला था मेरा आदमी का, तो भाड़ा 500 रुपए का बाटला आता था, जिसमें 1000 रुपया कर दिया। क्या इंसान खाएगा, क्या मकान का भाड़ा भरेगा, किस तरह बच्चे पालेगा? तकलीफ हो रही है, बच्चे तकलीफ तो हो ही ना, तकलीफ तो है, इतनी महंगाई बढ़ा दिया है तो। ऐसा तो कहते हैं कि आवक भी तो बड़ी है। हाँ आवक बड़ी है, रोजी धंधा ही नहीं मिलता है ना बच्चों को। 4 दिन काम पे जाते हैं, 15 दिन रजा, दारू जुगाड़ खुलेआम कर दिया, बस दारू पियो नशा करो, कोई रोक नहीं। दारू जुगाड़ कोई रोक नहीं है, क्योंकि उनसे तो बड़े बड़ों का घर चलता है। अच्छा। हाँ दारू जुगाड़ से तो बड़े बड़ों का घर चलता है। गरीब भले परेशान हो जाए, उनके बच्चे पी पी के भले नाटक करे, नौकरी छोड़ दे, काम धंधा छोड़ दे, घर में आके परेशान करे, ये सब खुलेआम है। हाँ ये मैंने काफी महिला लोगों से सुना हूँ कि दारू जो है वो उस पर क्यों नहीं सरकार जीएसटी लगाती, वो क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि पीने के बाद हमारे घर की जो स्थिति वो खराब हो जाती है, बच्चों को मारते हैं, हमारे पे अत्याचार करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैरान होते हैं, नशा करके पब्लिक आती है, एक नशे वाला नहीं खराब रहता है, घर को खराब कर देता है वो। अच्छा क्या कह रहे थे? वो ये जाते पीसा ना, तुरंत कह देते चलो गाँव
गाँव भाव नहीं पीसने का, ये बहुत अच्छा गाँव। देखिए ब्रेकिंग न्यूज देश लाइव के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, महिला का डायरेक्ट आरोप है कि अगर ये जो चक्की की दुकान पे जहाँ आटा पिसाता है, गेहूँ पिसाता है, वहाँ पर डायरेक्ट जो गाँव वाला जो होता है, जो चक्की वाला होता है, कहता है ले जाओ भाई तुम्हारा गाँव पीसना ही नहीं है। जब बोले इस तरीके का तुम्हारे लोग को दिया जा रहा है तो तुम लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो, और ये हमारे को पीसना ही नहीं है। मोटा मोटा चावल देते, पैसा भी ज्यादा लेते। हाँ पैसा भी, इंसान का नाम है उसमें 10 किलो गेहूं मिलते हैं, 25 किलो चावल मिलते हैं, लाख या चार लालो चावल का। अच्छा हाँ, सात आठ सात लोगों के बीच में खाली 10 किलो गेहूं, मगर ये तो एक इंसान के बीच में 5 से 7 किलो के आसपास का है। नहीं गलत बात, सुनो मैंने देता है कोई नहीं देता है, 10 किलो गेहूं मिलते हैं, 25 किलो चावल निकाल डाले नाम क्यों उड़ा दिए, वैसे उड़ गए बोले वैसे कारण वैसे नाम निकाल डाले, बोले नहीं है बच्चों के नाम नहीं, फिर से हम कहा जाओ सुधराने। मतलब आप लोग को जो धक्का खिलाते हो ऑफिस पर, ऑफिस तो नाम किसने, आप लोगों ने जाके निकाला कि वैसे निकला डायरेक्ट निकाल डाले, नाम निकाल डाले। देखिए डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे राशन कार्ड, जो हमारा अधिकार है, जो सरकार ने हमारे को अधिकार दिए, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। जो हमारा राशन कार्ड के ऊपर नाम था वो डायरेक्ट ऊपर से निकाल दिया जा रहा है। जब महिला लोग इसकी शिकायत करने के लिए जा रही है ऑफिस पर, तो डायरेक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि ऊपर से निकले हैं और हमको नहीं पता, इस तरीके से धक्का खिलाया जा रहा है। और जब ऑफिस में जाते हैं तो वहां से भी धक्का खिला के दूसरे ऑफिस में जाओ, वहां तीसरे पे जाओ, इस तरीके के हैरान करा जा रहा है। क्या हैरान करने का, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है क्या, जो उनका घर चल रहा है जो उनका घर, अच्छा जिनके क्या कह रहे हो, हमारे आदमी के नाम पे कार्ड है, पहला नाम उनका उन्हीं का नाम काट दिया, जिसके नाम पे कार्ड है उसका नाम उड़ा दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट यही वो बोलेंगे कि आपका कार्ड बंद हो गया, क्योंकि जो आपका इंसान है जिनके नाम पे था वो उनके नाम पे है ही नहीं। तब इस तरीके जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग कैसे जाएंगे, गरीब लोग कैसे खाएंगे, कैसे पियेंगे, अपना घर का भरण पोषण कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और किस तरीके का जो तकलीफों का सामना करना पड़े, क्या कहूंगी भाई, हमारे यहाँ भी ऐसे ही गाँव चार मोटे मिलते ही है। अच्छा हाँ, और वो दूर कंट्रोल पड़ती है। और आप लोगों को नहीं लगता है, आप लोगों को, आप लोग महिला, आप लोग को एक विचार की जरूरत है कि हो सकता है कि ऊपर से चावल अच्छे आ रहे हो सरकार द्वारा, पर नीचे कुछ साठ गाठ हो रही हो, चावल चेंज हुए जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना, तो इसके बारे में आप लोगों ने शिकायत क्यों ली थी? अब बोलते वैसे ऐसे आते बोले वैसे चावल ऐसा अच्छे मिलते, हम जगह पे जा रहे जा रहे चावल। महिला ऐसा आरोप लगा रही है, एकदम सरकार को बोलिए ऐसा चावल एक दिन खा के दिखाई, क्या सरकार ऐसा चावल खा के दिखाएगी, जिस तरीके से गरीब जनताओं को दिया जा रहा है। और जो मेडिकल में, मेडिकलों में जो आप लोग जाते हैं दवा खाना वगैरह जाते, वो तो आप लोग को फ्री मिलता होगा, वो तो सब फ्री होगा, सब बाहर से मंगाते क्या, बाहर से मंगाते वो शारदा बहन में दाखिल थी, छोकरी को लेकर मशीन पे रखा था, दोनों टाइम 200-200 रुपए का इंजेक्शन मंगाते थे, कान में से बोले पर उतर गया, पेट में बोले इंफेक्शन, वो तो सरकार दवाखाने में देती है ना, इंजेक्शन दवाई वगैरह तो सरकार देती है, बाहर से लाती थी। आठ महीने ध्यान दीजिए, 8 महीने छोकरी को लेकर एडमिट थी, 8 दिन का लगता है मशीन पर रखा, 5 दिन के लिए बोला दवाखाने में, हाँ शारदा बहन में दवाखाने में बोले अच्छा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, 8 महीने हम लोग ने अच्छा कराने के चक्कर में दोनों कानों से सुराग ला दी किसी को, ये लड़की को 8 महीने से बोला ठंडे की वजह से जा रहे, ठंडे की वजह से जा रहे, परू पूरे लीवर पे असर हो रहा है, वो परू पूरे इंफेक्शन दे दिया छोकरी को, और दवा बाहर से कोई दवा फ्री नहीं है, एक एक चीज बोलते बाहर से लेकर आओ, चार इंजेक्शन 200-200 रुपए के बाहर से मंगवाता है, 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गरीब इंसान हो 200 रुपए आएगा, कहाँ से लेकर आएंगे, बच्चा मर जाए मशीन पे जाए, और डॉक्टर भी कोई ध्यान थोड़ी ना देते हैं, आते देखते और चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं सरकारी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और डॉक्टर भी नहीं, नहीं बोले जाओ खा के पीछे पीछे जा जाकर बैठो, बोले आगे जो जाती सीरियस इंसान उसको रखेंगे ना, वो भाई की भी लड़की दाखिल थी उनके साथ भी ऐसा ही करे, बोले नहीं तो रजा लेकर जाओ, बोले बरोबर इधर ही आप आइए, बोले रजा लेकर चले जाओ, नहीं है जगह, क्या हुआ था तुम्हारी लड़की, तुम्हारे साथ क्या हुआ था सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, आज जो सरकारी बातें मंगाते अमुक अमुक दवा जो होती है ना, वो अंदर से देते अमुक दवा, अच्छा बाहर आप लोग दवाई लेने जाते कितने रुपए तक आते हैं, 500 की भी आए 700 की भी आए, जैसा हो ऐसा, अच्छा जैसी दवाई हो, गरीब इंसान घी वो भी सब बाहर से मंगाते, अच्छा दवा खाने से कुछ भी देते,
और यही चाहेगा सरकारी हॉस्पिटल किस चीज का क्या काम का सरकारी हॉस्पिटल। और ये सरकारी हॉस्पिटल की बात करी जाती है क्या यहाँ गुजरात के अंदर, ये देखिए गुजरात मॉडल है, देखिए गुजरात मॉडल है, बोलते हैं कि दवाखाने में बोलो डॉक्टर बोलो रखो रखो बोलो फिर आगे बोलो पीछे चले जाओ बोलो और पीछे का पीछे चले जाओ बोलो आगे जगह नहीं। मतलब डॉक्टर से अगर आप कहते हो अभी आप और भी हमारे साथ हैं जो चाची चाचा क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको, क्या हुआ? हर चीज की परेशानी है, कोई भी चीज में काम धंधे कर भी जाओ तो काम धंधा मिलता नहीं है और मिले तो बोले तो पला भी देते नहीं है ढंग की। अच्छा हाँ पगार भी 400-500 रुपया भी नहीं मिलता है उसमें हमारे। दवाखाने आप जाते तो वहाँ फ्री है, जाते तो वहाँ सी तो प्राइवेट में दवा ले बाकी प्राइवेट मतलब बाहर मेडिकलों पे दवाखानों में नहीं मिलती, चालू दवा दे तो उससे कोई फायदा नहीं होता हमको। बरोबर हाँ 2000 की जम्बल सी दवाएं खाते रह गए अभी सीधी कोई फायदा हुआ नहीं हमको। ये मैं आपको डायरेक्ट देश लाभ के माध्यम से बता रहा हूँ, सरकार का काम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस पे जांच बैठाए, अगर शख्स है अगर ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक आस एक उम्मीद से गया है तबीयत खराब है इसकी तो अगर इन्हें पेट दर्द हो कि सर दर्द हो सांस तकलीफ हो हाथ दुखे अगर ये सब है उसको बीमारियां हैं लगा हो कपड़ा हो कहीं पर तो उसकी दवाई कायदे से दवाखाने के अंदर होनी चाहिए, मगर कोई दवाखाने की अंदर नहीं मिलती है तो मेडिकलों पे से लेना पड़ता है 1000-1500 रुपए की दवाई मिलती है तो गरीब जनता तो ऐसी मर जाएगी तो इसमें जनताओं का विकास कहाँ हो रहा है, जनता तो ऐसी परेशान है। और क्या जो दाखिल होता है तो इंजेक्शन भर भर के चार चार इंजेक्शन दो दो कलर खुल जाता है किसे 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 तकलीफ का सामना करना आज की तकलीफ थी ऐसे बुखार उखार आए ये हुए जब के दाखिल हुए नहीं घर पे पता से सके बाहर से ला नहीं सके तब तक प्रेस में जाके दाखिल हुए। अरे आई घूमे आई घूमे आइए क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता आप गए थे अपनी बच्ची को लेकर लेकर मैं गई थी मेरी छोकरी को मैं लेकर गई थी तो अखा दिन के चार इंजेक्शन 200-200 रुपए के बाहर से मंगाते सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा अखा दिन के चार इंजेक्शन 200-200 के मंगाते थे और खून खून तो इतना लेते थे ना बोले ना कि बाटला एक खून का चढ़ा दो तो वो भी नहीं बाटला बोले चढ़ा दो सब्जी के तो वो भी नहीं चढ़ाते थे। अच्छा और 8 महीने से उसको बताने लगे तो बोले उसको ठंडी से होता है जरा ठंडी से होता है जरा ठंडे से कान में आई लड़की देखिए ये बच्ची है जो जिसको तकलीफ हुई थी और 200-200 का इंजेक्शन ना थोड़ा सा कैमरा मैन बोलूंगा कैमरा मैन थोड़ा सा आगे इसको क्या हुआ क्या तकलीफ हुई वहाँ पर दवा खाने 8 महीने से इसका इलाज चालू है 8 महीने से बता रही तो बोले अच्छा हो जाएगा तो ठंडे की वजह से हो रहेगा अच्छा हो जाएगा बोले ठंडे की वजह से हो रहेगा तो ठंडक की वजह से बताते बताते 8 महीने से दोनों छोकरियां कान में सुराग ला दिए दोनों कान के अंदर आप देख सकते हो इनको सुराग देखिए कान दे रहेगा देख सकते आप ये छोटी सी बच्ची है एक उम्मीद से और एक आस से गई थी सरकारी दवाखाने के अंदर ताकि मुझे वहाँ पर सस्ता मिलेगा गरीब हूँ मैं अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी मगर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली ट्रीटमेंट अच्छी हुई थी कि नहीं हुई थी कुछ भी नहीं बाटला बोलो सख्ती का चढ़ा दो तो बोले बार बार बड़े बड़े इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं बड़े 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 हॉस्पिटल उसके आते हैं तो क्या उन लोग डॉक्टर लोगों भी ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर नहीं देते बोले जगह भी मिले तो बैठो नहीं तो जाओ बोले पीछे के साइड बोले पीछे खाटले पकड़ लो बोले और वहाँ नीचे से गद्दे पे डाल डाल के लिटवाते थे बोले गद्दे पे डाल दो मतलब कोई बेड भी नहीं नहीं कुछ भी नहीं पलंग वलंग खाटले अंदर देते हैं नीचे बेड नहीं है सरकारी हॉस्पिटल किसके अंदर फैसिलिटी को तो जाने दो फैसिलिटी को तो जाने दो बेड ही नहीं है नीचे जमीन पे बैठा के ट्रीटमेंट चालू है खून लिया खून का जब आप जब आपकी बेटी को पहले से कान में सुराग था पहले से कान में सुराग था अभी हुआ दवा 8 महीने से इलाज चालू 8-9 महीने 1 साल होना है 1.5 साल में ये सुराग कब हुआ ये पूछ रहा हूँ सुराग 8 महीने से ही है मतलब आप दवा यानी आने जाने में दवा खाने में बताने में उन लोग ने ध्यान नहीं दिए। अच्छा कान में से रस्सी जाती थी ना तो बोले अच्छा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा अच्छा ऐसा करते करते उसमें सुराग हो गए दोनों कान में सुराग और वहीं से दवा चालू थी शारदा बेन से और रिपोर्ट 1500 की एक रिपोर्ट आपकी चेक करवाओ तो एक 1500 से बोले पेट में बोले पर उतर गया है बोले इंफेक्शन हो गया तो 200-200 रुपए के इंजेक्शन रोज मंगा के लगाते थे। अच्छा ये जो बच्ची थी इसको 200-200 रुपए की इंजेक्शन हाँ मगर फायदा कुछ नहीं हुआ डॉक्टर लोगों ने ध्यान नहीं नहीं हुआ अभी भी वो भेजता ही अभी भी वो भेजता ही जाएगा कान और रिपोर्ट पेशाब की रिपोर्ट करवा तो 1500 रुपए की खून का टेस्ट करवा तो 1500 सरकारी हॉस्पिटल में हाँ मणिनगर से बोलते दवा चालू मणिनगर से दवा चालू बोलते बरूबर
क्या चाचा किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़े, क्या हुआ आपको? तकलीफ तो सब चीज की बात लेकिन जो बता रहे हैं जो वाकई सरकारी हॉस्पिटल में इस तरीके से सही है, ये चाचा भी जाके आए इनको भी बहुत हैरानी है। तुम्हारा को भी हैरान कर आज मेरे को तो हैरान कहते हैं 2000 से दवा खा रहे हो, कोई वजह नहीं हो रही है। 2000 से तो बेकार पे जाएगा दवा के हिसाब से, मतलब कोई बड़े डॉक्टर भी ध्यान नहीं दे रहे आपको सरकारी हॉस्पिटल में? नहीं दे रहा, बाहर की दवा लिख के देते हैं, वो दवा हो तो अपने पास में चलाओ, ऐसा हो तो दवा लाओ वरना पड़े रहो। हाँ सरकार की तरफ से कोई दवा फ्री नहीं मिलती, चालू दवा मिलती है उसे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा है। और जो अच्छी दवा है वो सब मेडिकल की बाहर की लिख के दीजिए। बरोबर, जनता कहाँ से लेके आएगी उसकी बात है, क्या कहूँ? अरे खून तपासने की जगह है ना, बाटले भर भर के खून निकाल लिए इनके, भर भर के निकाल दिया। इनका काम तो नहीं हुआ, इनको कोई फ्री में तो नहीं मिल रहा है, मगर इनके जो है शरीर का भी खून, शरीर का खेत क्या, शरीर का भी खून है तो खेत लेते हैं हमारा, तो शरीर का खून बढ़ाने की जगह शरीर का खून खींचा जा रहा है इनके शरीर का डायरेक्ट आरोप है। कितने बड़ी बड़ी शीशों में आए दिन आके टैक्स के बहाने एक दिन में पांच जाती नहीं, एक दिन में आरोप लगा रहे हो आप? आरोप क्या क्या आरोप जो बीत रही है वो बोल रहे हैं। बरोबर, आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ है। एक एक दिन में पांच पांच छह छह बार खून लेके गए, बार का भी बच्चा था वो भी खींच लिए। ये हो रहा है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, ये गुजरात मॉडल है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ध्यान दे रहे हैं। बासे चढ़ाते वो भी ले लेते, बासे 500 ग्राम चढ़ाते दो चार दिन में ले रहे हो तो वो भी साफ हो जाए। बाहर से आप अगर चला रही हो पैसा देकर खून तो वो भी खींच ले, ये तो मेरा लड़का देता है, बोले खून जाए नहीं जमा करेंगे वहाँ तक रजा नहीं देंगे, तो मेरा हाँ वो जो अभी आया ना छोकरी के बारे में बोला वो मेरा लड़का है, वो मतलब जबरदस्ती खून जमा कराओ तो ही दो रजा देंगे नहीं तो नहीं देंगे, और जो खून के अंदर है वो भी खींच ली वो भी ले जाते हैं। देखिए डायरेक्ट महिलाओं का आरोप है, घर की तरफ से इंसान दवाखाने के अंदर जाता है ठीक होने के लिए स्वस्थ होने के लिए, मगर यहाँ पर तो उल्टा जो इंसान के शरीर में खून है वो भी खींच लिया जाता है। ये गुजरात मॉडल, ये मोदी जी का विकास, ये सरकारी हॉस्पिटल का हाल होगा। चलिए ये तो हमारे हमारा काम तो सच्चाई दिखाना, देश तक रखना हमने रखा, आगे फैसला करना क्या है क्या नहीं वो आप लोग का काम है, अब सरकार का काम है। मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।